आज कारगिल विजय दिवस के 23 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश भर के वीरों को नमन किया जा रहा है। जम्मू में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को बलिदान स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। यह युद्ध अपने आप में कई राज छुपाए हुए हैं। आज हम आपको कारगिल युद्ध से जुड़े कुछ अहम राज बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। इसकी शुरुआत 8 मई 1999 से, जब पाकिस्तानी फौजियों और कश्मीरी आतंकियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को जमकर मुकाबला किया और ऊंची चोटियों से उन्हें भागने को मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान ने ये पहले यह दावा किया था कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना नहीं बल्कि मुजाहिदीन कब्जा जमाए हुए हैं, लेकिन बाद में पाकिस्तान का यह दावा झूठा साबित हुआ। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने रेगुलर सैनिक शामिल थे। पाकिस्तान के सैनिकों ने कारगिल में घुसपैठ किया था। बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व अधिकारी शाहिद अजीज ने यह राज उजागर किया था। युद्ध से पहले मुशरफ ने LOC पार किया था। यह जानकारी भी सामने आई कि कारगिल सेक्टर में 1999 में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच लड़ाई शुरू होने से कुछ सप्ताह पहले जनरल परवेज मुशरफ ने एक हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा पार की थी। मुशरफ ने भारतीय सीमा में करीब 11 किलोमीटर अंदर रात भी बिताई थी। जानकारी के मुताबिक मुशरफ के साथ 80 ब्रिगेड के तत्कालीन कमांडर ब्रिगेडियर मजूद असलम भी थे। दोनों ने ज़िक्रिया मुस्तकार नामक स्थान पर रात बिताई थी। 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु प्रशिक्षण करके अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। इससे उसका मनोबल बड़ा हुआ था। कई लोगों का कहना है कि कारगिल की लड़ाई उम्मीद से ज्यादा खतरनाक थी। हालात को देखते हुए मुशरफ ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली थी। यह जानकारी भी सामने आई कि पाकिस्तानी सेना कारगिल युद्ध को 1998 से अंजाम देने के फिराक में थी। इस काम के लिए पाक सेना ने अपने 5,000 जवानों को कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। कारगिल के पूरे प्लान को मुशरफ ने गुप्त रखा था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को पहले इस ऑपरेशन की खबर नहीं दी गई थी। जब इस बारे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ को बताया गया, तब उन्होंने इस मिशन में आर्मी का साथ देने से मना कर दिया था। बाद में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस बात को माना था कि कारगिल का युद्ध पाकिस्तानी सेना के लिए एक आपदा साबित हुआ था। पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपने 2,700 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया था। पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में 1965 और 1971 की लड़ाई से भी ज्यादा नुकसान हुआ था। भारतीय वायुसेना ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाक सैनिकों के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया था। MiG-27 की मदद से इस युद्ध में उन जगहों पर बम गिराए गए जहां पाक सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा MiG-29 कारगिल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस विमान में पाक के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। 8 मई को कारगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से भारतीय वायुसेना भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई थी। वायुसेना ने
इंडियन आर्मी की मदद करना शुरू कर दिया था। कारगिल की लड़ाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस युद्ध में वायुसेना ने करीब 300 विमान उड़ान भरते थे। कारगिल की ऊंचाई समुद्र तल से 16,000 से 18,000 फीट है। ऐसे में विमानों को करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ना पड़ता है। इतनी ऊंचाई में हवा का घनत्व 30% से कम होता है। ऐसी हालत में पायलट का दम घुट सकता है और विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। कारगिल युद्ध में तोपखाने से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से ज्यादा तोपों, मोर्टर और रॉकेट लॉन्चर ने रोज करीब 5,000 बम फायर किए थे। लड़ाई के अहम 17 दिनों में हर रोज बैटरी से औसतन 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें किसी एक देश ने दुश्मन देश की सेना पर इतनी अधिक बमबारी की थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।